वेलकम टू द चैनल गाइज, वी होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वी हैड अ प्लान फॉर टुडे, सो एजी इज गोना टेल यू। हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोग जा रहे थे मार्केट की साइड और मार्केट से कुछ हमें परचेज करना था और उसी के साथ हम लोग आपको एक सिटी का वॉक अराउंड देंगे। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे और पर्सनली मुझे खुद DM बहुत आए थे कि आपने अपनी फर्स्ट वीडियो में अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस नहीं करा, तो इस व्लॉग में मैं आपको अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करूँगा। करो से हेलो। ओके, बाय, वेव गुड बाय, वेव गुड बाय, टेक केयर, टेक केयर, ओ लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं डाइवर्जन पे। डाइवर्जन से जो मेन सिटी सेंटर है वो 10 किलोमीटर से, और यहाँ से हमें 25 से 30 मिनट लगेंगे क्योंकि आज थोड़ा हमें ट्रैफिक जैम बहुत देखने को मिल रहा है। मौसम थोड़ा साफ होने की वजह से जो यात्रा है वो भी चल रही है, और साथ साथ में जो अभी शाम का टाइम है और इस टाइम पे जो मोस्टली स्कूल्स और कॉलेज से उसमें छुट्टी होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिलेगा। और यहाँ से डाइवर्जन से लेके नीचे आपको जाखन तक बहुत अच्छी मार्केट मिलेगी। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के जो खाने की शॉप्स हैं या शॉपिंग के लिए बहुत सारे अच्छे आउटलेट्स हैं। यहीं से अगर आप लेफ्ट को कटेंगे 100 मीटर नीचे आपको कैनाल रोड मिल जाएगी। जो कैनाल रोड और राजपुर रोड जो है, ये नीचे जाके आपको सिल्वर सिटी का जो चौक आएगा वहाँ पे आपको दोनों रोड मिल जाएंगे एक साथ। अब नियरली हम अप्रोच कर रहे हैं पैसिफिक मॉल की तरफ। यहाँ से आप मेरी राइट साइड को देखेंगे तो ये ट्रेंड्स, ये आपको दिख रहा होगा टेंट्स, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे तो इसी के बगल में है पैसिफिक मॉल, देहरादून का मोस्ट विजिटेड, और मोस्टली जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो इस मॉल को पक्का एक्सप्लोर करते हैं। ये आप मेरी साइड में मॉल देख रहे हैं, ये है देहरादून का पैसिफिक मॉल। सो गाइज, यहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे दोनों साइड, ये जो MDDA है, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने बहुत अच्छा काम करा है यहाँ पे। इसने दोनों साइड पे बहुत प्लांटेशन करके यहाँ पे बहुत अच्छे बेंच बना दिए कि जो भी टूरिस्ट और जो भी यहाँ के लोग हैं वो सुबह आके यहाँ पे वॉक पे जा सकें और शाम के टाइम यहाँ पे बैठ के जो देहरादून की ब्यूटी है उसको एंजॉय कर सकें। आप मेरे लेफ्ट राइट दोनों साइड देख रहे होंगे यहाँ पे कितना अच्छा सेटअप बना रखा है MDDA ने। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं देलाराम बाजार में। देलाराम चौक है, ये बहुत फेमस है लैपटॉप मार्केट के लिए और फोन लवर्स के लिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे फोन सेकेंड हैंड रिटेलर्स और फोन के आउटलेट्स मिल जाते हैं, और बहुत सारे लैपटॉप के जो आपको केयर सेंटर है वो मिल जाते हैं। देलाराम चौक में ही जब आप क्लॉक टावर को अप्रोच करते हो तो यहाँ पे एक रेड लाइट आती है। अगर आप रेड लाइट के राइट साइड पर रहेंगे तो आप सीधा जाएंगे नीचे क्लॉक टावर की साइड, और अगर आप थोड़ा लेफ्ट ले लेते हैं तो यहीं से आप लोग चले जाते हैं करणपुर की साइड। करणपुर देहरादून का वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है कोचिंग या बहुत सारे बच्चे ट्यूशंस लेते हैं, और ये करणपुर जो है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और यहाँ से हमने ले लिया है लेफ्ट, राइट पे आप देख रहे हैं ये है क्रॉस रोड मॉल, और अभी इसी मॉल के हम पार्किंग में चलेंगे, गाड़ी करेंगे पार्क और चलेंगे फिर मॉल के अंदर। सो गाइस, गाड़ी हमने कर दी है यहाँ पे पार्क। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट लेके जा रही है हमें थर्ड फ्लोर पे जाके हम करेंगे इसको एक्सप्लोर। पहुंच गए। देहरादून में बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं और क्रॉस रोड उनमें से एक शॉपिंग मॉल है, और क्रॉस रोड शॉपिंग मॉल की सबसे जो यूनिक चीज़ है वो है इसकी लिफ्ट। ये जो आपको दो टावर दिख रहे हैं इसके बीच में लिफ्ट है। मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। क्रॉस रोड मॉल बेसिकली 3-story मॉल है और इसके बेसमेंट में तो इसकी पार्किंग है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको बहुत सारे क्लॉथ्स के आउटलेट मिल जाएंगे, और फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे यूनिसेक्स बॉडी स्पा
और साथ में आपको बहुत सारे जो फीमेल के इथेंटिक और ट्रेडिशनल इंडियन वेयर है वो आपको ड्रेसेस मिल जाती हैं। यहाँ पे मेरे सामने आप देख रहे हैं वो मीना बाज़ार, मीना बाज़ार के बगल में आपको ओरिला और कैनन का एक आउटलेट है यहाँ पे, जो DSLR शौकीन हैं, जो DSLR की एसेसरीज लेते हैं वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और मेरे पीछे जस्ट पीछे मेरे वेस्ट साइड है, यहाँ से आपको मेल फीमेल दोनों का कंबाइंड एक स्टोर है, और यहाँ से आप अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ से ज़रूर शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके बेसमेंट पे अगर देखेंगे तो आपको सामने दिख रहा होगा CCD, यहाँ पे इन्होंने अच्छा बैठने का बना रखा। और इसी के बगल में ही आपको मिलेगा किड्स पैराडाइज, और ये देखिए यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए इन्होंने छोटी सी स्टेशन बना रखा है। लिवाइस का आउटलेट है यहाँ पे, इसी के साथ यहाँ पे कुछ आपको लिक्वर भी मिल जाता है साथ में। और यहीं पे आप थोड़ा आगे देखेंगे तो यहाँ अगर देहरादून में से आप कुछ व्लॉगिंग सेटअप लेना चाहते हैं तो ये एक शॉप मैं आपको रिकमेंड करूँगा। यहाँ पे आपको GoPro वगैरह, आपको X2 Insta 360 बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और अब ढूंढते हैं टुक्कू को, और हाँ ये इनका पैराडाइज है, किड्स पैराडाइज। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं बच्चे इंजॉय करते हैं। हेलो टुक्को, टुक्को सियाई। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं मॉल के बाहर, अभी हम जाएंगे बेसमेंट में और बेसमेंट से ही हम लोग लेंगे अपनी गाड़ी और अब चलते हैं वापस मानसी की तरफ। और यहाँ पे एक फूड ट्रक भी है यहाँ पे बर्ब करके, यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो आप मोमोज ट्राई कर सकते हैं। और बेसिकली ये एंट्री है मॉल की, हम जाएंगे अभी ग्राउंड फ्लोर पर। शॉपिंग हो गई कंप्लीट, टुक्को का हमने लेना था ड्रेस वो हमने ले लिया। और अगर आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।